तरफ बढ़ चुकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका एक अद्भुत योगदान रहा है इस प्रेजेंट जीत में, बात करते हैं उनसे। सर, जो भविष्यवाणी आपने की थी वो सच साबित हुई, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है फिर आपकी। देखिये, ये जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता ने बागडोर अपने हाथ में ली थी। वो अपराधवाद, ये परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद से ऊपर उठ के विकासवाद को अपना मत दे रही थी। ये योगी जी और मोदी जी की जो जादू था, उनका जो परिश्रम था, जन जन तक जो योजनाएं पहुंची थी उसका प्रतिफल जनता को मिला है। और निश्चित रूप में जो जिम्मेदारी है वो इस सरकार की और बढ़ जाती है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार ने जो भी वायदे किए थे, जो भी संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, एक एक जनता के लिए एक जवाबदेही सरकार की तरीके से काम कर सके, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी योगी जी ने संभाली है। और मैं समझता हूँ कि एक नए उत्तर प्रदेश की नींव, जिसमें इस सर्वोत्तम प्रदेश बन सके हमारा प्रदेश, उसकी तरफ ये तेजी से सरकार काम करेगी। वादे तो विपक्ष ने भी बहुत किए थे, सांड की समस्या को दूर करने की बात कही थी, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही थी, फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन जनता ने सुनी नहीं, सुनी आप ही की। आपने सांड वाला कहा है, आप 2 से 3 महीने में 4 महीने में देखेंगे एक व्यापक योजना। हम लोग जो पशु, हमारे बेसहारा पशु हैं, उनके लिए एक व्यापक योजना बनकर सरकार उस पर अमल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद से ही सरकार आगे काम कर रही है। और निश्चित रूप में जो कर्मचारियों के लिए एश्योरेंस हो सकता है, जो उनकी जीवन की सुरक्षा हो, जो उनकी सर्विस की मजबूती हो, वो सारी प्रयोजन जो है नई पेंशन नीति में पहले भी सरकार ने डाली है, और जो बेहतर विकल्प होंगे वो समय समय पर नई पेंशन योजना में वो जुड़ते जाएंगे। कैमरामैन समीर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार। वहीं यूपी